तो गाइस फाइनली होंडा ने डियो 125 को लॉन्च कर दिया और वो अपने सामने हाजिर है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर में। एक शोरूम प्राइस जो स्कूटी का रहा है 84,000 के आसपास और अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर में ऑन रोड आपको पड़ेगा 1,04,000 रुपये के आसपास। आपको अगर शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और प्रोडक्ट देख सकते हो आप। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। राइड रिव्यू वीडियो नहीं निकालेंगे आज क्योंकि अभी अभी आया तो परमिशन नहीं मिला मुझे, वो किसी और दिन निकालेंगे। आज बस देखेंगे इसमें आपको कौन सी फीचर्स मिलते हैं और इसके जो राइवल है, मेरा मतलब है इंटॉर्क 125, डेस्टिनी 125, उन स्कूटीज़ को छोड़ के आपको इसे क्यों प्रेफर करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं सामने से। सबसे पहले आपको LED DRL दिया गया है, उसके बाद LED हेडलैम्प मिलता है आपको, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। पूरा का पूरा बॉडी की बात करें तो बॉडी आपको टोटली फाइबर का मिलता है, अभी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके बाद साइड में रिफ्लेक्टर दिया गया है यहाँ पे। फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलता है और 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। पहले आपको स्टील रिम का ऑप्शन मिलता था लेकिन अब स्टैंडर्ड और स्मार्ट वेरिएंट दोनों में ही आपको अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलता है। 12 इंच का फ्रंट व्हील। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो 90/90 है टायर प्रोफाइल फ्रंट में। उसके बाद साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से स्कूटी कुछ दिखता है ऐसा, उस साइड से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो साइड से कुछ दिखता है स्कूटी ऐसा, साइड से आपको कुछ हद तक ग्राजिया का फील देगा और सामने से आपको डियो लगेगा कन्फर्म है। लेकिन पीछे से इस बार होंडा ने कुछ अलग ही खेल खेला है, पीछे से पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। टेल लैंप आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है और इंडिकेटर्स चारों के चारों आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है यहाँ पे, मडगार्ड फाइबर का बिल्कुल। उसके बाद बात करें एग्जॉस्ट की तो ट्विन बैरल एग्जॉस्ट नहीं है लेकिन पाइप आपको दो दिखेंगे यहाँ पे, पता नहीं क्यों मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करेंगे बाद में देखेंगे। बात करें रियर व्हील की तो रियर में आपको 10 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है। और टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको 90/100 दिया गया है रियर में। और आगे बढ़े तो यहाँ पे डियो 125 की बैजिंग अभी आपको क्लियरली दिखेगा, डियो 125 की बैजिंग, नीचे होंडा का ब्रांडिंग और ऐसा दिखता है कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपको ऑन करके दिखाते हैं, अभी ऐसा दिखता है कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फुल्ली डिजिटल दिया गया है इस बार, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे मोबाइल वगैरह आप लोग रख सकते हो, चिल्लर वगैरह आप रख सकते हो यहाँ पे ये हुक एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारे स्विच, ये होंडा के हर स्कूटी में आपको दिखेंगे फ्यूल एंड सीट के लिए। और यहाँ पे ये स्विचेस वगैरह, यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल्स, इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स, हॉर्न, सिंगल हॉर्न यहाँ पे बहुत ही तेज, यहाँ पे इंजन किल ऑन ऑफ सेल्फ भी यहाँ पे है। और आपको पता ही है फ्यूल टैंक आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और सीट भी। तो मैं फ्यूल टैंक आपको, फ्यूल कैप आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने प्रेस किया, ये आवाज़ सुना आपने, तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। 5.4 लीटर के फ्यूल टैंक दिया गया है इस बार। रिजर्व टैंक का अभी तक ऑफिशियली अनवील नहीं किया गया है, इसे मैंने कर दिया बंद, टाइट है। और अभी सीट ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये ओपन हो गया। तो अंडर स्टोरेज भाई डिसेंट है, ज़्यादा गहरा नहीं है, डिसेंट है। और नीचे कोई भी लैंप वगैरह या फिर USB कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है, तो बंद कर देते हैं। और अभी बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें 123.92 सीसी का इंजन मिलता है आपको, जो पावर प्रोड्यूस करता है 10.16 BHP और 10.4 NM ऑफ टॉर्क का। बस यही सब चीज़ें इस स्कूटी के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। एक चीज़ रह गया जो इसका एग्जॉस्ट नोट मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ। ये मैंने ऑन किया, ये मैंने स्टार्ट किया, कुछ ऐसा है इसका एग्जॉस्ट नोट। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी यही सब है स्कूटी के बारे में, अगर कुछ छूट गया है मेरे से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड बाय द वे मैं इस वक्त खड़ा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल जडेश्वर में, जहाँ पे स्कूटी का ऑन रोड प्राइस पड़ता है 1,04,000 रुपये के आसपास। और आखिर में बात करें आपको डियो 125 की डायरेक्ट राइवल जो है इंटॉर्क 125 TVS की, तो उसे छोड़ के आपको डियो 125 क्यों लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके प्राइसिंग का, डियो 125 आपको काफ़ी सस्ता मिलता है इंटॉर्क से कंपेरेटिवली। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो डियो 125 में कंपनी ने क्लेम किया है 48 KMPL का और इंटॉर्क में आपको 42 KMPL का माइलेज क्लेम किया है कंपनी ने, तो यहाँ पे भी बड़ा ड्रॉप है। तो बस यही सब चीज़ें हैं जिसके वजह से आपको डियो 125 लेना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर आपको, आपके पास पैसा ज़्यादा है और
आप इंटरक ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपके पैसे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको डीओ 125 लेना चाहिए क्योंकि आपको फ्रेश लुक मिलता है यहाँ पे और उसके साथ होंडा की रिलायबिलिटी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।